स्वागत है आपका न्यूज़ फैक्ट्री यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर से मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे फ़ोटो एडिटिंग का एपिसोड नंबर 2 लेकर के हाजिर हूँ। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस टाइप का इफ़ेक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूँ, यानी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो अगर आप भी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, ऐसा इफेक्ट बनाने के लिए आपको बस अपने 2 मिनट इस वीडियो पे देने हैं, यानी आपको देखना है इस वीडियो को पूरा, और अपने 2 मिनट आपको सिर्फ इस वीडियो को देने हैं, और प्रॉपरली तरीके से आप एकदम से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो अभी मैं बढ़ता हूँ आगे, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब हम इस टाइप का इफेक्ट बनाते हैं तो हमें अपने जो फ़ोटो हमारा होता है तो उसको हमें PNG मोड पे ले आना होता है, यानी हमारा जो बैकग्राउंड होता है हमारी किसी भी, जनरली हम क्या करते हैं जब भी कोई फ़ोटो शूट कराते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है। तो वो बैकग्राउंड इरेज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है, जिसकी जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से या बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो पाता है, यानी जो बैकग्राउंड आप इरेज़ करते हैं वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, अब सिंपली एक वेबसाइट है जिसका नाम है remove.bg। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने ये टाइप किया इसमें। तो आपको बस इस साइट पे जाना है और अपने उसी वाले फ़ोटो को एडिट, जिसको आप एडिट करना चाहते हैं उस वाले फ़ोटो को आपको यहाँ पर अपलोड करा देना है। अब जैसे ही आप अपलोड कराते हैं तो जस्ट 2 या 3 सेकंड के अंदर आपको वो PNG में बना करके दे देगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको ये ग्रीन कलर का जो बटन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके अपने उस वाले फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है जो आपका आपने अपलोड कराया था। तो अब आपको चलना है अपने PicsArt वाले एप्लीकेशन के अंदर और आपको खोलना है PicsArt। जैसे ही आप PicsArt खोलते हैं आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना जो फ़ोटो है, एक मिनट, आपको फ़ोटो अभी नहीं अपलोड कराना है, आपको एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें स्मोक टाइप का, पीछे बहुत सारा धुआं हो, इस टाइप का आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बैकग्राउंड की। तो अगर आप, अगर ऐसा बैकग्राउंड कहीं आपने देखा है या आपको डाउनलोड करने वाले आपके पास साधन है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वाले बैकग्राउंड का जो है वो लिंक दे ही दूंगा, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने उस वाले इसी वाले एप्लीकेशन में इसको खोल लेते हैं, यहाँ पर ये बहुत अच्छा से आ चुका है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे जो आप ऑप्शन देखते होंगे, बेसिकली जो भी लोग इसको PicsArt को यूज़ करते हैं रेगुलरली तो उनको पता होगा कि इसके ऑप्शन के बारे में। तो इस पे आपको ऐड फोटो पे जाना है, ऐड फोटो पे क्लिक करके आपको जो आपने PNG मोड में अपना फ़ोटो कन्वर्ट किया था, जो फ़ोटो आपने कन्वर्ट किया था उसको आपको सिंपली इस वाले एप्लीकेशन के में ओपन करा लेना है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अपना ये वाला अपने फ्रेंड का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करा चुका हूँ। तो कुछ आपको ये ऑप्शन देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ब्लर कर सकते हैं अपने फ़ोटो को, या हल्का सा फेड कर सकते हैं, या फिर अपने कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, थोड़ी हार्डनेस कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा, आपका फ़ोटो अगर थोड़ा ब्लैक एंड वाइट आ गया तो उसको भी आप इस एप्लीकेशन में सही कर सकते हैं। तो अब मुझे करना है, अब आपको आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोटो को बिल्कुल इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रलाइज कर लेना है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस फ़ोटो में थोड़ा सा कहीं से आपका ऑब्जेक्ट रह गया है, जो डिटेल्स जो रह गई है साइडों में, कुछ जो आपका बैकग्राउंड है वो रह गया, तो ऊपर ये इरेज़ वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ से भी क्लिक करके उतना इरेज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपने इस फ़ोटो को थोड़ा सा डल कर लेता हूँ, यानी इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो अब ये देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा, आपको फील आ रहा होगा कि थोड़ा सा बन चुका है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, आपको ये ऊपर वाली जो दिख रही होगी यहाँ पर इरेज़ वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, और मुझे अपने इस फ़ोटो को थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है उसको बढ़ा के इसको हल्का सा यहाँ पर इरेज़ करना है, यानी इसको इरेज़ करना है, यानी तो इसको हल्का सा इरेज़ करना है। इरेज़ करने के बाद आपको लग ही रहा होगा कि जैसे कि आपका जो फ़ोटो है वो जो स्मोक है, यानी जो धुआं है उसके पीछे, आपको ऑटोमेटिकली आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि आपका जो फ़ोटो है वो पीछे जा चुका है। तो ऐसा इफ़ेक्ट बहुत ही सिंपल और कितना आसान है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा आसान है ऐसे इफ़ेक्ट बनाना। तो ये कुछ इसी तरीके से होगा। तो थोड़ा सा इसमें आपको अगर और भी अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, थोड़ा सा और भी अपनी एक्टिविटी यहाँ दिखा सकते हैं, तो बस ऐसे ही करना है। तो
बहुत प्यारा सा यहाँ पर हमारा इफेक्ट बन चुका है। तो ये जो बैकग्राउंड है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल या फिर किसी भी वेबसाइट पे अगर आप देखा है ऐसा कोई फॉग वाला या जो पीछे स्मोक हो, तो ऐसा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो चुका है हमारा पूरी तरीके से डन। तो अब हम इसे कर लेते हैं अपने फ़ोन में सेव। तो यही था गाइस आज का वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर इसी तरीके की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं और भी बहुत सारी फ़ोटो अच्छे अच्छे बना के आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो स्पोर्ट यानी IPL या जो क्रिकेट है उससे रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो अगर आप उन वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर बहुत सारी है वीडियो, उनको आप देखें। और वीडियो अगर ये पसंद आया तो इसको एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।